अपन ने पिछली क्लास में पहली में सीखा था बैलेंस शीट देखते हैं बी प्रेस कर कर। तो अपन ने बी प्रेस किया, बैलेंस शीट आ गया है। फिर अपन ने सीखा था ट्रायल बैलेंस के बारे में, जिसका शॉर्टकट होता है डी टी। डी टी प्रेस करने से आपके सामने ट्रायल बैलेंस आ जाता है। फिर अपन ने देखा था कैश फ्लो, कितना कैश आया, कितना गया, कितना बचा, कहाँ से आया, कहाँ गया, उसका शॉर्टकट है डी सी सी। डी सी सी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर कैश फ्लो को देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने के लिए आप पी प्रेस करते हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। हमें कितने परसेंट में प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट में लॉस हो रहा है, तो उसके लिए शॉर्टकट है आर। आर मतलब होता है रेशो एनालिसिस। आप आर प्रेस कर कर ये देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट हो रहा है, लॉस अगर हो रहा है तो लॉस कितने परसेंट हो रहा है, लागत कितने परसेंट हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 36.08% हो रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट वास्तव में लॉस में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस लगा होने का मतलब यह है कि प्रॉफिट होने के स्थान पर लॉस हो रहा है। ये प्लस में होता तो प्रॉफिट होता। अब ये लॉस क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कि जो लागत है वो 100 से भी ज्यादा निकल चुकी है, मतलब 112% लागत आ रही है। इस वजह से ये यहाँ पर लॉस हो रहा है। लागत हमेशा 100% से नीचे होना चाहिए। जितने कम परसेंट में लागत होगी उतना ही ज्यादा हमें लाभ हो सकेगा। तो ये अपन ने देखा है रेशो एनालिसिस आर प्रेस कर कर। अब इसमें अपन को अगली क्लास में, जैसे हमने आपको बता दिया है सारी एंट्रीज करना, एक्सपेंसेस की एंट्री करना, परचेस सेल्स की एंट्री करना, अब कुछ एक नया सवाल अपन और लिख लेते हैं, फिर इसको आप कर कर देखना, फिर नहीं आएगा तो हम आपको ये सवाल करवा देंगे। तो अपन ने पिछली क्लास में ये इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, अपन आज की क्लास में एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में सॉल्व किया था उससे आगे से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपन इस बार चेक द्वारा लेन देन करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं वो अपन सीखेंगे, इसलिए अपन चेक वाली एंट्री लिख लेते हैं। तो गुड्स परचेज बाय चेक, अपन लिखा है गुड्स परचेज बाय चेक। अमाउंट लिखा है अपन ने 35,000 रुपए। फिर अपन ने लिखा है गुड सोल्ड एंड रिसीव, चेक। अपन ने माल बेचा है और चेक मिला है, माना कि 50,000 का बेचा है। क्या आया? चेक द्वारा दिया है, कमीशन भी चेक द्वारा दिया है। ये इस तरह से चार एंट्रियां हैं। अब ये कैसे करेंगे अपन वो हम आपको बता देते हैं। एंट्री को करने के लिए जैसे सबसे पहली एंट्री है गुड्स परचेज बाय चेक, इसको अपन कर रहे हैं। वाउचर में चलेंगे अपन, माल खरीदा है भुगतान में चेक दिया है, तो ये एंट्री आप करेंगे हमेशा परचेज में। एज वाउचर पर क्लिक करेंगे आप वाउचर मोड में एंट्री करना चाहते हैं।
अपन ने माल खरीदा है तो एंट्री होगी बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। चेक द्वारा अपन ने लिया है इसलिए अपन टू में बैंक लिखेंगे, यदि अपन नगद खरीदते हैं तो टू में कैश लिख देते। तो यहाँ अपन ने लिखा है SBI बैंक, कितने रुपए का है वो अपन देखेंगे, 35,000 रुपये का है। तो यहाँ अपन लिख दिया, अपन ने 35,000 लिखा, बाय में लिखेंगे परचेज, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक। उसके बाद अगला देखेंगे अपन, अगला क्या है, गुड सोल्ड एंड रिसीव चेक, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, तो अपन इसे भी कर लेते हैं। तो माल सभी को आवाज आ रही है ना? माल बेचा है और चेक मिला है, तो बेचने के लिए आप एंट्री करेंगे हमेशा सेल्स वाउचर में, नगद बेचें उधार बेचें या चेक से बेचें, आपको हमेशा सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्लिक कर रहे हैं नीचे एज वाउचर में, क्योंकि आपको वाउचर मोड में एंट्री करना सीखना है अभी, फिर अपन इनवॉइस में भी एंट्री करना बाद में सीखेंगे अगली क्लासों में। अब माल बेचा है, भुगतान में चेक मिला है, चेक अपन ने बैंक तो भेजा नहीं, तो अपन उसको कैश मान के रख सकते हैं, तो अपन चेक इन हैंड भी अलग से एंट्री कर सकते हैं, यदि ज़्यादा हमें चेक का हिसाब अच्छे से रखना है तो अपन बाय में एक लेजर बना लेंगे चेक इन हैंड के नाम से, अल्टर सी शॉर्टकट है लेजर बनाने के लिए। अपन ने लिखा है बाय चेक इन हैंड अकाउंट, ये जाएगा कैश इन हैंड में, अपन कैश मांग कर रखना इसलिए कैश इन हैंड में चला जाएगा। तो बाय में लिखा अपन ने चेक इन हैंड अकाउंट, कितने रुपए का है वो अपन लिखेंगे, 50,000 रुपए का है, तो अपन ने यहां पर लिखा 50,000 रुपए, और टू में लिखेंगे अपन सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड बाय चेक, उसके बाद अगला क्या है, अगला है किराया दिया है चेक द्वारा। हम जब भी कोई भुगतान वाली एंट्री करते हैं तो उसका आपको उसके लिए लेजर हमेशा पेमेंट वाला आपको चुनना होगा, अपन पेमेंट वाउचर पर क्लिक कर रहे हैं और बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, जैसे किराया दिया है तो अपन ने लिखा है बाय रेंट अकाउंट, कितना दिया है तो यहाँ लिखा हुआ है 5,000 रुपये, तो अपन 5,000 रुपये लिख लेते हैं। चेक द्वारा दिया है तो टू में लिखेंगे अपन बैंक SBI बैंक अपन ने लिख दिया है, नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड रेंट बाय चेक, अगला है कमीशन दिया है चेक द्वारा 12,000 रुपये, तो अपन अब एंट्री कर लेते हैं, कमीशन दिया है 12,000 रुपये उसकी, कमीशन दिया है तब भी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में ही करना है, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर ही रहेगा। अब यहाँ पर बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, तो अपन ने यहाँ पर लिखा कमीशन अकाउंट, कितना कमीशन दिया है वो अपन देखकर लिख लेते हैं, ये है 12,000 रुपये।
तो यहाँ अपन ने देखा 12,000 रुपये, अपन लिख देंगे 12,000। यदि कमीशन नगद दिया होता है तो 2 में कैश आता है, चेक द्वारा दिया है तो फिर बैंक आता है। अपन ने चेक द्वारा दिया है तो यहाँ पर बैंक आएगा। नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग पेड कमीशन बाय चेक, कमीशन चेक द्वारा दिया। चेक नंबर यहां अपन डाल सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, आपको ऐसे एंट्री कर कर देखना है, फिर आप हमें कल बताना। प्रॉफिट एंड लॉस पी प्रेस करके आप देख सकते हैं, अभी यहाँ नेट लॉस हो रहा है 16,900 रुपये का, पुरानी एंट्री में अपन इनको प्रेस किया था इसलिए। किसी कुछ पूछना है बच्चों इसमें? आप सवाल कर कर देखना, फिर कोई दिक्कत आया तो कल हमें बताना, कल हम आपको दोबारा बता देंगे। सर जी 4 फरवरी की टेली वाली वीडियो भेज दीजिए। हाँ, वो हम आपको भेज देंगे, आज रात में भेज देंगे या फिर कल सुबह भेज देंगे।